गैया कर रही है कूलर की सफाई। ये बंद हो गई है? जी हाँ बंद हो गया। ये मोटर चल रही है? जी बंद कर दूँ? नहीं ना चलाते रहो ना, चलता रहे। हाँ बस जाओ, बंद कर दिया आपने। हाँ अब चला। क्योंकि बाहर ही बैठते हैं बच्चे तो अंदर तो बैठा नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा कहीं कहीं साफ़ कर लेती हूँ, बच्चे गए हैं ट्यूशन तो फिर मैंने कहा मैं कहा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बच्चे भी आ जाएंगे, बस थोड़े से वो रह गए हैं मतलब बर्तन रह गए हैं, वो बर्तन मैं धोऊँगी इंशाल्लाह, अब काम से खाली हो जाऊँगी। बिलाल बेटा मैंने कहा मैं इतना जरा ये साफ़ कर लेती हूँ, तो ज़ाहिर बता जब अल्लाह पाक ने जब चीज़ दे दी थी देख जी। हाँ माशाल्लाह मैंने कल भी साफ किया, माशाल्लाह से आज भी साफ किया, तो जितनी हाँ कितना साफ सुथरा रखेंगे माशाल्लाह उतना अच्छा चलेगा ये इंशाल्लाह, और जितनी संभालो जितनी अच्छी चलेगी जी, कितनी मेहनत करो उतना सही चलेगा ये माशाल्लाह। तो इसलिए मैं साफ कर रही हूँ, साफ कर लेती हूँ जी। बाकी जो आपकी शुक्र है मशीन लगाई गई, काफ़ी कपड़े भी हुए हैं ये खिला भी दिया माशाल्लाह से। चलो मैंने सफाई कर दी है क्योंकि कपड़े धो लेंगे, फिर मैं आप चरपाइयाँ धोंगी, चरपाइयाँ धो के जो है जो मशीन का धो धा के। हाँ ये कौन सी चरपाइयाँ ना हाजी अर की दफ्तर वाली? हाँ ये धो के ना दफ्तर में दिएंगे। हाँ जी चलो मेहमान तो अब चल गए हैं। हाँ तो चलो अब फारग हो गई चरपाइयाँ, ये किन की हैं उनकी बचाते हैं बस। अपनी नौकरी भी है उसको मैं जी आप वेल्डिंग होने के दिया। हाँ वेल्डिंग के लिए दे आता हूँ, बांध लेकर आई मैं वो दे दूँगी जी। हाँ चल पाइए तो बहुत तंग करते हैं जी। हाँ ठीक है, जो आगे का ब्लॉग होगा वो इंशाल्लाह बहन भाई के साथ शेयर करते रहेंगे। लाल के पापा जो है यहाँ पर पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, और पानी जैसे डालेंगे माशाल्लाह से फिर जिसको मोटर चला देंगे माशाल्लाह ये अब भरा जाएगा ना। जी जी ठंडी हवा आ देगा ये। हाँ जी माशाल्लाह से बच्चे आराम से सुकून से बैठ जाए। छाँव है ना जी, ताज़ी हवा भेजेगा ना। हाँ जी ठंडी हवा है। जी जी हाँ जी ऐसे ही इसको ये निशान दिया हुआ है ना, नहीं ये देखिए यहाँ पर निशान दिया हुआ है कि यहाँ तक आपने भूल करना है और फिर आपने मोटर चलानी है इसकी। माशाल्लाह किस भाई ने दिया है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत दे। जी हमारे प्यारे से खालिद भाई हैं और प्यारे से आमना भी। कल कैसे मशीन लगाई हुई थी तो मैंने अच्छे सारे कपड़े वगैरह अपने धो दिए हैं, सुकून आ गया, कपड़े सारे धुल गए। शौकत भाई पता नहीं अंदर गर्मी में क्या कर रहे, इतने पसीने पसीने हो गए। गुम हो गए बच्चों से शायद पूछते हैं वो बच्चे ना टूवल पे नहाने के लिए, उनसे पूछ लेते हैं क्या पता बच्चों ने रखे बिया ने तो रुके ऐसे को नहीं पता पता नहीं कहाँ रखे। बस कहते हैं ना जब चीज काम की होती है ना वो चीज मिलती ही नहीं है, बाद में आके सामने पड़ी होती है। देख लो क्या पता ऊपर छत्ती पे कहीं रखे हो। डमी वगैरह देखे आपने? जी आ गई है मुझे लग रहा, बिलाल और मोहिदीन से पूछ लो भैया किधर रखे हैं। मोहिदीन किधर है पापा के शापर देखे आपने? ढूंढ के दो पापा को, चलो गर्मी में लगे हैं आपके पापा, चलो शापर ढूंढ के दो नहीं आप चलो आगे चलो ढूंढ के दो भाई पापा को ताकि वो फेरी पे जाना है। पापा लेके जा रहे हो जी? अच्छा चलो ठीक है जी, शापर वगैरह देख लो जब मिल जाता फिर बता देना फिर मुझे, क्योंकि आज मैं भी ना बस कपड़े आज मैंने धो तो लिए मगर थक बहुत ज़्यादा गई हूँ मैं, जिसम मेरा इतना दुख रहा है ना बहुत ज़्यादा, जिसम में दर्द हो रहा है और सर में भी इतना दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, आज तो कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा, आज बस कपड़े धो लिए बस थकान इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, अब कपड़ों से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बस अल्लाह ताला ये गर्मी जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला हाँ जी।
ये महीना अगला महीना बस। हाँ जी है तो सही है, मगर ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी पूरा साल पड़ा है जी। हाँ ये दो महीने भी बड़े ही बस बहुत कहते हैं बहुत औखा है। हाँ अगला महीना औखा है। हाँ जी उसमें तो हवा चलती ही नहीं बदलों का महीने में। अच्छा तो आप चौखा चली हुई है, शाम का टाइम थोड़ा ठंडा मौसम होता है फिर उसके बाद फिर गर्मी। बस हो चुके हैं और हल्के हल्के से बादल भी आ चुके हैं और यहाँ पे भाई ने घास वगैरह आधा तकरीबन घास कट चुका है, अभी आधा भी रह रहा है और मोहम्मद इनाम भी वहाँ पे मुझे आवाज़ लगाने लग रहा है और कोई असिस्टेंट जानवरों को बाहर लेके आ गई हैं ताकि मुँह वगैरह मार लें घास वगैरह ये खा लेंगी। ये बच्चों ने काफ़ी नुकसान करा है तो और कोई असिस्टेंट मुझे लग रहा है वो सामने की तरफ खड़ी हैं तो चलते हैं। हाँ जी जानवर वगैरह चुना फिर आने लग रहे हो, सही अच्छा करा भाई ले आए। ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, बस गर्मी का तो बस पूछा ही ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे तो खुद सर में बहुत ज़्यादा मैंने टेंशन ली हुई है, बस गर्मी इतनी ज़्यादा मतलब क्या करें, अजीब ही कैफियत हो रही है, अजीब ही तबीयत हो रही है, समझ नहीं आ रही मतलब क्या करें, इतना गर्मी ने पागल कर रखा है। और आप सुनाए ठीक है, बच्चों ने झूले बांधे हुए? मैंने कहा बच्चों ने झूले बांधे हुए? हाँ जी सही है, चलो बच्चे वगैरह भी खेलते रहते हैं। बिल्कुल भी एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये पता नहीं बहाना कब चालू होएगा। मुझे लग रहा यानी कि गर्मियों के बाद। हाँ जी जानवर महंगा भी हो रहा है, बीमार भी हो रहे हैं। हाँ जी इसलिए वो कह रहे हैं फिर लेते हैं। सही है ठीक है जी। और शौकत भाई कहाँ गए? वो पता नहीं कोई ले सामान ले निकले गए हैं। अच्छा आज खाना पकाना कुछ भी नहीं है? बनाएंगे, मैंने बनाए हैं दही भले, लेकिन बस चूल्हे पे जाने को दिल नहीं कर रहा। सही बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरा, आप ना ऐसा लग रहा है जैसे बस आज आखिरी टाइम है, इतनी गर्मी लग रही है, यकीन करो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा जैसे सड़क गर्मी नहीं होती वैसे गर्मी पड़ने लग रही है। और मेरा तो ना आज सर में दर्द है, आज कुछ आज कपड़े धो लिए हैं, बस दिमाग ना इतना आज घूमा पड़ा है, कोई समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने तो मनीप के पापा को मैंने ये कहा, मैंने कहा आज मैं रोटी बना के रख दूँगी, सालन वगैरह आपने ना होटल से मंगा लेना, मेरा नहीं आज कुछ पकाने को दिल कर रहा। देखो बाकी आगे फिर जब आते हैं फिर उन्हें पता है भाई, यही होटल पर सालन वगैरह मंगा लूँगी, रोटी बना के रख दूँगी तभी पे, चलो जब आएंगे फिर आराम से खाना वगैरह खा लेंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा ये हाल है, जो बेचारे बैठे हुए बेचारे मजदूरी करते हैं तो उनका बेचारों का क्या हाल है, हम तो फिर भी चलो अपना घर का काम वगैरह करके बैठ जाते हैं, तो जो बेचारे सुबह के टाइम लगते हैं और शाम तक अपना काम वगैरह करते रहते हैं, बस अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, इतनी बेचारे क्या करें मजबूरी से करते हैं काम। हाँ जी किसी का दिल नहीं करता इतनी गर्मी में बैठ के काम करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हर किसी के, आपको पता है, फिर मुंह मार तो रही है कुछ। सही है चल गर्मी। हाँ जी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही बात है। हाँ जी हाँ जी ठंडे टाइम निकल जाना। हाँ जी ये तो सुबह सुबह का टाइम 6 बजे चले जाते हैं और 10-11 बजे वापसी आ जाए। 11 बजे घर यही बात मैंने बोला, मैंने कहा पापड़ पड़े हुए ना मुहर्रम के। हाँ जी आप निकाल के आओ फिर जाया हो जाएंगे पैसे। हाँ जी चलो फिर और ताज़े पापड़ आ जाएंगे। चलो फिर ठीक है, आप रिक्वेस्ट है आप जानवरों को चारा वगैरह खिलाओ, मैं भी जाती हूँ कुछ थोड़ा सा काम पड़ा वो कर लेती हूँ, अब भले मैं तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को। मोहम्मद इनाम भी आ गया, देखे वो क्या कहते हैं। टाइम हो चुका है और जी मोहम्मद इनाम भी ने आज कपड़े उतारे हुए सारे और यहाँ पे पहले छिपा दिए मुझे पता है वो कहाँ। अरे इतनी दूर से आए हैं गर्मी में और गर्मी से देखो सी कैसे भाई नहाए हुए हैं, जैसे अभी ना नहा के आए हैं, ठंडा पानी चाहिए ताज़ा नलके का ना, नहा के आए लेकिन गर्मी ने पागल किया, गर्मी ने वाकई में बहुत भाइयों ने काम जिम्मे लगाए हुए थे वो करके आए हैं पक सारे। हाँ जी बस सही है, गर्मी से क्या करें, गर्मी से बादल आ रहा है झलक दिखला रहा है। हाँ जी हवा का नाम नहीं है, पत्ते हल नहीं रहे, पत्ते हल वाकई में नहीं हल रहे, बिल्कुल भी नहीं हल रहे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं कह रही हूँ खुदाए रंग से काले थे हमारे, जो गोरे चिट्टे हैं फैमिली मेंबर वो भी काले हो गए। सही बात सही बात है सही, आमना खुद बेचारी परेशान हो रही है, इतनी काली होगी, मैं आपसे बात चिट्टी थी यहाँ पे आके काली होगी, मैंने कहा कोई बात नहीं
बताया कि गर्मी ने मैं गर्मी हूँ, गर्मी है वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी। और भाई तबीयत ठीक है आपकी? मैं ये सोचता हूँ जी, तबीयत मैंने कहा ठीक है, गर्मी का तो बताया, गर्मी का पागल क्या है। दूसरा ये मेरे पाँव का मसला बना हुआ है। क्या हुआ पाँव पे? ये ना पाँव मेरा खराब हुआ है, ये दवाई लेने जा रहा हूँ मैं। अच्छा ये वो तो नहीं है? नहीं है, टीका लगेगा। एलर्जी तो नहीं है? एलर्जी का मसला है। मेरे वाली तो नहीं है जैसे मेरे निकली? नहीं, ये पाँव वाली जो उंगलियाँ थी ना वो फिर आगे आगे इधर, मैं चल नहीं पाता बहुत मुश्किल से। देखो सोज हो रही है, पीप हो रही है। हाँ जी हाँ जी, वो दिख रहा है, पीप होने लग रही है, गर्म सी भी आ रही है हल्की। चल डॉक्टर को चेक करवा। हाँ जी आज जो है ना चेक करवाता हूँ इसको। ठीक है। और कैसे सर आप क्या बना रहे हो? दही बल्ले? बल्ले या दही बल्ले? दही बल्ले। ठीक है। ये बेसन वगैरह आपने घोल दिए? करेले मेरे पास ही पड़े हैं मगर मेरा पकाने को दिल ही नहीं कर रहा। मैंने अभी मुनीफ के पापा को कॉल करी, मैंने कहा क्या बनाए, मैंने कहा मेरे में तो हिम्मत है नहीं, मैं तो कुछ बनाती नहीं। फिर कहते अच्छा चलो टाइम आएगा फिर देख लेंगे जो फिर करना होएगा। भैया है तभी पे रोटी बना के रख दूँगी, अभी सहन की भी सफाई वगैरह करके, अभी बर्तन अभी धोने, अभी वो जाके धोती हूँ जाके। और दें भाई पानी? बहुत है पानी पी भी, जगह पेट फटने वाला हो रहा। सही बात है, एक तो यहाँ पे ठंडा पानी नहीं होता बिल्कुल भी, ताज़ा पानी बस मिल जाता है वही पी लेते हैं। अपना फ्री दे इंशाल्लाह, बस अपना फ्री दे दे, मेरा पवन। सही बात है, सब चीज़ें टाइम पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अल्लाह पाक अपने सब बनाएगा। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रमजान इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अगले साल। तो भाई सदीक को कहा, मैंने कहा चाय पी लो, मगर भाई सदीक कहते हैं भाई मैं चाय ना भाभी जाने बना के रखी हुई है, फिर जाके पीता हूँ जाके। क्या कर रहा बंदा? हाँ जी हाँ, क्योंकि भाभी जाने इस टाइम चाय बनाती है, चार बजे साढ़े चार बजे ना इस टाइम चाय लाजमी बनाती है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, वो बस मैंने इसलिए बना ली थी। अच्छा अभी देखे माशाल्लाह बादल हैं, हवा पत्ता एक भी नहीं हो रहा। सही बात है, बहुत ज्यादा गर्मी। पंखा चलाया है मैंने, कभी पंखा चला के ही। कूलर सही चल रहा है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सही चल रहा है। चलो अच्छा पानी भर लो, मुझे ही पिला लो, आप भी पानी पी लो। ठीक है माशाल्लाह से कबूतर भी अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे गर्मी में, कुछ नीचे बैठे हुए हैं कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो कौवे जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, और बादल भी पूरे विलेज में छाए हुए हैं माशाल्लाह से। और इस साइड पर जो है काफ़ी पता नहीं बर्तन धो रही है मुझे लग रहा है। हाँ जी जी जी, अंजीर भी माशाल्लाह से वो हरा भरा हुआ है, जहाँ से पत्ते उतर गए थे वहाँ से नए पत्ते आ गए हैं। हाँ बस मैंने कहा शाम की मैंने सफाई वगैरह कर दी है, तो मैंने कहा अपना पानी वगैरह छिड़क लेती हूँ ताकि शाम ठंडा हो जाए। हाँ जी, इसके पापा भी अभी आ जाएंगे क्योंकि मिस्त्री की छुट्टी का टाइम हो चुका है जी। नहीं पता नहीं, हमें वही कहने लगी इसको ना एक साइड पे इधर लगा दो, एक साइड पे इधर ये बेचेंगे, पता नहीं ऐसे कबाड़ के भाव में रख सकते। हाँ जी, तो बस ये पानी आप छिड़क लें, यहाँ पर ठंडा ठंडा हो जाएगा ना। शुक्र अल्लाह पाक का, मोटर घर में लगी हुई है कि आराम से मतलब पानी वगैरह ना बनने से लग लगता है। ये तो दिल्ली लौटते थे ना, भर भर के ना पानी छिड़कते थे। हाँ जी, ठंडा तो था ना कुछ होते थे। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है ठंडा मौसम है। हाँ जी हाँ जी, मैंने भी अब माशाल्लाह सप्लाई ले लिया, मेरे भी घर सहूलत हो गया माशाल्लाह। आपको पता है फिर माशाल्लाह से कूलर है, फिर कूलर में पानी वगैरह भरते थे, नलके में तंगी होती थी, फिर हाँ माशाल्लाह ठंडा फुल पानी है, तो आराम से ना फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी जी, निकालने के बाद फिर मैंने ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं धो लेती हूँ। चलो पानी छिड़का देता हूँ, ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाए और आराम से बंदा रात को बंदा आराम से सो जी। जी हाँ जी, चलो ठीक है। आपने छिड़क लिया फैन में पानी? हाँ जी छिड़क लिया, बस मैं अब जाके ना झाड़ू देती हूँ। अभी शौक दही नहीं आया? नहीं गए हुए थे मैं दही, दही लेने के लिए और भी पता नहीं, मुझे आटा लेना था। हाँ जी आटा खत्म हो रहा है? जी जी आटा खत्म हो गया। मुहर्रम का, मुहर्रम कल मुहर्रम से पहले लिया था तो माशाल्लाह दो थैलियाँ ली थी, वो इस्तेमाल हो गई। मेरी भी दो थैलियाँ खत्म हो चुकी हैं, अभी एक दो दिन का। हाँ जी कल को मिला, कल मैंने कहा लेकर आओ फिर इस्तेमाल करना है। चलें ठीक है, आप ये छिड़काव वगैरह कर लें, मैं अपने घर जाती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर चूल्हे पे बैठती हूँ, खाने वगैरह का बंदोबस्त भी करती हूँ। बेजुबान होते हैं। हाँ जी चले ठीक है, आप वो
करें आगे जो लोग होगा बहन भाई के साथ। उनका टाइम हो चुका है और विलेज में दोबारा से फिर घने घने बादल आ चुके हैं और गर्मी की शिद्दत देख सकते कितनी ज़्यादा हो रही है। और जी यहाँ पे रुकिया सिस्टर जी, यहाँ पे जी ये क्या बनाए जा रहे हैं, जो दही बल्ले। शौकत भाई अभी तक नहीं है? अच्छा, और वो गाय को घास वगैरह डाला आपने? अच्छा, वो अभी थके हुए हैं, मैंने मुनीब को कहा है। आपको पता सारा दिन तो काम वगैरह करते रहे, अब तो फारिग हुए हैं काम करके। जो इंसान काम गर्मी में करता है ना उसे पता। काम का टाइम हो चुका है और ब्लॉग का भी रिक्वेस्ट है सर, आप ही आना कर दो। उस टाइम आपने ब्लॉग बनाया मगर वो ब्लॉग जो बनाया था आपने वो बिल्कुल मुझे पता नहीं लगता, वो बस दस बटन दबाते मुझे नहीं पता था। मैंने बनाया था फिर सही था, बस वो स्लो मोशन बन गया। अच्छे से ब्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़।